आज के इस एपिसोड में जानेंगे आखिर निषाद जाति क्या है, क्या विकसित हुई है ये जाति। निषाद समुदाय के बारे में जब सामान्य लोग सोचते हैं या बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि वे केवल नदी में नाव चलाते हैं और उनका जीवन बहुत ही शांत रहता होगा। ऐसा नहीं है, उनके जीवन में दिक्कतें हैं और उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनका जीवन कैसा है और उनकी परेशानी कैसी है, वे किस तरह एक असमान दुनिया में अर्जी, आंदोलन और प्रतिरोध का सहारा लेकर अपना वर्तमान बदलना चाहते हैं, इसे इस एपिसोड को देखने से पहले वीडियो शेयर कर दें ताकि और भी लोग निषाद समाज के बारे में जान सकें। दोस्तों, निषाद समुदाय एक पूर्व में कई अध्ययन हो चुके हैं। समाजशास्त्री स्मिता तिवारी जस्सल और ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के अस्सा डोरोन का काम इस दिशा में महत्वपूर्ण काम माना जाता है। वैसे निषाद समाज ऐसे जातियों के समूह को कहते हैं जो नाव चलाने तथा मछली पकड़ने का काम करते हैं। इस समूह के अंतर्गत कई जातियां हैं जैसे निषाद, बिंद, मल्लाह, केवट, कश्यप, भर, धीवर, बाथम, मछुआरा, कहार, धीमर, मांझी और तुरहा। देश की अधिकतर जातियां आज अपने पुश्तैनी गांवों को छोड़ चुकी हैं, पर जाति व्यवस्था वंशानुगत होने के कारण आज भी जाति का प्रचलन कायम है। आज फिल्म, टेलीविजन, शिक्षा, खेल, राजनीति, सेना, हर क्षेत्र में निषादवंशी अपना योगदान दे रहे हैं। भारत के मूल निवासी निषाद आज अधिकतर राज्यों में पिछड़े वर्ग में आते हैं। आइए जानते हैं निषाद समाज का इतिहास, निषाद शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, निषाद एक प्राचीन वंश है। निषाद नी यानी जल और शाद का अर्थ शासन, जिसका शाब्दिक अर्थ है जल पर शासन करने वाला। प्राचीन काल में जल, जंगल, खनिज के यही मालिक थे। इनके बहुत सारे दुर्ग किले थे जिन्हें आमा, आयसी, उर्वा, सदभुजी, शारदीय आदि नामों से पुकारा जाता था। आज भी प्रयागराज से 40 किलोमीटर दूर गंगा किनारे भृंगवेरपुर में निषाद राज राजा गू का किला मौजूद है। निषादों का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन ऋग्वेद में भी निषादों का उल्लेख है। रामायण और महाभारत में कई कई बार निषादों का उल्लेख है। महर्षि वाल्मीकि ने जो पहला श्लोक लिखा है उसमें निषाद शब्द आया है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास भी एक महान महर्षि निषाद थे। ये माना जाता है कि निषाद राज एकलव्य अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर थे। निषाद जाति मछुआरे समाज को कहा जाता है। इनकी कई उपजातियां हैं, जैसे एक बाप के कई बेटे कई नाम से जाने जाता है। उसी तरह ये पूरे भारत सहित नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, इन सब देशों में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ये जाति अधिकतर उत्तर प्रदेश में रहती है और पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती है। इस जाति की मांग है कि इन्हें अनुसूचित जनजाति में वर्गीकृत किया जाए। ये जाति बंगाल में चाई के नाम से जानी जाती है। राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता न होने के कारण चाई अपने आप को निषाद नहीं मानते हैं। आज देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में तकरीबन 7% आबादी मल्लाह, केवट और निषाद जातियों की है। यूपी के करीब 2 दर्जन लोकसभा सीटें और लगभग 60 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां निषाद वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, संत कबीर नगर, मऊ, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, इलाहाबाद, फतेहपुर, सहारनपुर, आंवला और हमीरपुर जिले में निषाद वोटरों की संख्या अधिक है। वहीं बिहार में निषाद शब्द लगभग 20 समुदायों के एक समूह को संदर्भित करता है जिनके पारंपरिक व्यवसाय नदियों पर केंद्रित हैं। लेखक बद्री नारायण के अनुसार निषाद एक शब्द है जो विभिन्न समुदायों को दर्शाता है जिनके पारंपरिक व्यवसाय जल केंद्रित रहे हैं, जिसमें रेत ड्रेजिंग, नौका विहार और मछली पकड़ना शामिल है। 1930 के दशक से इन समुदायों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले विभिन्न जाति संगठनों ने इन सभी समुदायों को छत्र शब्द निषाद के तहत एकजुट करने के केंद्रीय उद्देश्य के साथ सम्मेलन आयोजित करना शुरू कर दिया। पहले इन समुदायों को सबसे पिछड़ी जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन सामाजिक आर्थिक स्थिति में वे अनुसूचित जातियों के अधिक करीब थे। 2001 में लेखक ESD बिंद ने तर्क दिया कि निषाद समुदाय की विभिन्न उपजातियां एक साथ उत्तर प्रदेश की आबादी का 18% शामिल हैं, जो राज्य की चुनावी राजनीति को प्रभावित करने में सहायक थे। नतीजतन विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने एजेंडे के अनुरूप समुदाय के पौराणिक नायकों की किंवदंतियों में हेरफेर करके इस बड़े वोट बैंक का हिस्सा होने के लिए जोर दिया। निषाद समाज को यूपी में निषाद, बिंद, कहार, केवट, मल्लाह, मांझी, कश्यप, धीमर, धीवर, खरवार, गौड़,
गरीवा, गुरिया, राजकौण, मछुआर, बाथम, झीमर, खैरवार, खिरवार, गुड़िया, झीवर, झीर, धीमर, रैकवार, केओट, तुरैहा, झीर, झीवर, नूनिया नाम से जानते हैं। इस प्रकार बिहार राज्य में निषाद लोग अपने नाम के आगे बिंद, बाथम, निषाद, कहार, मांझी, मझवार, तियार, नूनिया, धीवर, मल्लाह, धीमर, गुड़िया, गौण, गरिया, गुरिया, राजगौण, केवट, खरवार, खैरवार, खिरवार, खागी, कई बरता आदि टाइटल लगाते हैं। अगर बात कर्नाटक की करें तो कर्नाटक में कब्बालीगा, सेफलीगा, खारवी, सूटकुला, मिनुगरा, मनिगरा, थोरैया, मोगावीरा, वैयोकुला, छत्री, जान, नेकपू, वानी रेड्डी, पल्ली, कापू, कोरच, सीवीआर, कुवेना, बेस्ता, वेस्टर, मुक्कुवारे, बरिकार, मारकुरा, भोई, मोगरा, भीष्मकुला, मेलेंटा, गंगापुत्र, मंडेरा, गंगाकुला, मछिदा, तार, मढ़ना, कालू, माछीमार, पल्ली रेड्डी, भरिका, गौरी माता, मछला, गंगारसुर, गोनी, काड़ा, गौण, राजगौण, मुदिराजा, गंगा मैथु, नायका, हरिकांथरा, नायकारा, सीवियर, जलागेरा, नायक, कब्बेर, कब्बेरा, नीरगंथी, बुंदे, वेस्टर, मुकायर, नालेकेरा, कोली, परिवारा, पारेवर, काहर, सोनगरा, सुनागरा आदि टाइटल लगाते हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में निषाद, मल्लाह, भोई, केवट, खरवार, खैरवार, मछींद्र, मछुआ, मांझी, गौड़, राजगौड़, धीवर भोई, आदि भोई, कोल्हा, कोलचा, कोलगा, कीरत, कीर, टिंडेल, खासे भोई, झींगा भोई, परदेसी भोई, राज भोई, धीवर, धीमर, कुली ढोर, टोकरे कोली, कहार, धुरिया, गोड़िया कहार, कोंड काहर, महादेव कोली, मल्हार कोली, डोंगर कोली, पालेवर, मल्हार आदि टाइटल लगाते हैं। इसी प्रकार हरियाणा राज्य में कश्यप, बिंद, धीमर, कहार, झीवर, मल्लाह, झीमर, झीवर, झीर, तो मध्य प्रदेश राज्य में मल्लाह, बिंद, माछी, मझवार, केवट, खरवार, खैरवार, खेरवार, कीर, बाथम, कहार, निषाद, रैकवार, धीमर, धीवर, देवर, झींगा, तुरह, तुरैहा, भोई, गुड़िया, गौण, गरीवा, गुरिया, राजगौड़, तियार और गुजरात में मल्लाह, मल्हार, मछेंद्र, मझुआ, निषाद, भोई, धीवर भोई, कहार, खादी भोई, खासे भोई, झींगा भोई, परदेसी भोई, राज भोई, कहार, धुरिया, गोंदिया कहार, खैरवार, कोलचा, कोलगा, टोकरे कोली, कीरत, कीर, केवट, टिंडेल, पालेवर टाइटल लगाते हैं। इसी तरह राजस्थान में मल्लाह, मझवार, रैकवार, कोली, ढोर, टोकरे कोली, केवट, झीमर, धीमर, भोई, गौड़, कहार, झीवर, गुड़िया, गरिया, गुरिया, राजगौड़, झीर, कीर, माझी, कोलचा, कोलगा आदि और दिल्ली में निषाद, धीमर, मल्लाह, तुरैहा, तुरैहा, कश्यप, बिंद, धीवर, कहार, झीमर, धीवर, केवट, केओट, गुड़िया, झीवर, झीवर, झीर, गौड़, गरिया, गुरिया, राज, गौड़, बाथम, झीर टाइटल लगाते हैं। अब निषाद समाज परंपरागत छवि को तोड़ती है। ब्यास, एकलव्य, फूलन देवी जैसे नायकों की मदद से ये समुदाय अपने भविष्य की इमारत गढ़ रहा है। फिलहाल ये समाज राजनीति का शिकार है। हर पार्टी इस समाज को वोट बैंक समझती है और तरह तरह से राजनेता इस समाज का वोट लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे शेयर करें और कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें। शुक्रिया।